नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी चैनल पर। मित्रों, यह वीडियो बिहार के इंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए है। अगर आप छात्र नहीं है तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का नाम प्रथम चयन सूची में आ चुका है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेने के वक्त आपको एक इनविटेशन कार्ड की आवश्यकता होती है, सूचना प्रपत्र की। या सूचना प्रपत्र आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? बहुत सारे लोग साइबर कैफे जाते हैं और वहाँ उनको पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो कि या कि आप इसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है। यूजर आईडी आपका वही होता है जो आपका मोबाइल नंबर OFSS के पोर्टल पे नामांकन के वक्त या ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपने डाला होगा। उसके बाद आप पासवर्ड चाहे तो फॉरगोट भी कर सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं। तो बस सिंपली से आपको इस पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक, यहाँ क्लिक करें तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें, साथ में इस कैप्चा कोड को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखाई पड़ जाएगा, साथ में आपका फोटो, जो भी फोटो आपने अपलोड किया होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। आपको यहाँ बगल में जो 3 डॉट दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर का, आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड इंटीमेशन कार्ड, आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इंटरमीडिएट प्लस टू कोर्स में नामांकन हेतु जो चयन के संबंध में आपका सूचना पत्र है, प्रथम सूचना पत्र, वह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको मैं यह भी दिखा दूँ कि चयनित महाविद्यालय, यहाँ पर देखिए क और ख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको महाविद्यालय का नाम और संकाय का नाम मिल जाता है। अब इस पेज का प्रिंट आउट कैसे मोबाइल से लेंगे यह भी मैं आपको बता दूँ। बस आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप गूगल क्रोम में आप इसे ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करना है, या आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक प्रिंट का भी ऑप्शन रहता है, आप इस प्रिंट के ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, प्रिंट का प्रीव्यू भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कोने में आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रहा है, बस आपको इस पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। पीडीएफ पर क्लिक कर देने के बाद एक बार फिर से आपके पेज का प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा और साथ में यह आपके फाइल मैनेजर में सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आपको सिंपल इसे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और यह इंटीमेशन कार्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे हुए अपना इंटीमेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इंटर में नामांकन वाले साथियों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।